सपा मुख्यालय से शैलेश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। शैलेश, अब तो वहां पर भी जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनको जानकारी मिल गई होगी इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए इस समय हम लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की आवाज के सामने मौजूद हैं। ये देखिए हमारे पीछे आवाज है, ये उनके सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है और खबर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद लोग आना शुरू हो चुका है। सीधे चलेंगे, पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं जो पायल किन्नर हैं, जो किन्नर समाज के लोग हैं उनसे जुड़ी हैं, उनके पास पहले चलते हैं, देखिए उनसे बात करेंगे। ये सामने समाजवादी पार्टी कार्यालय, जिसकी स्थापना की खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव ने, और इस समय देख सकते हैं आप पायल किन्नर जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। बहुत दुख तो बोलना मुश्किल हो रहा है, निश्चित रूप से जो भावनाएं हैं, जितना वो भावुक है, हमें बहुत दुख हो रहा है नेता जी। हम बहुत अच्छे थे, हम लोग के लिए, हमारे किन्नर समाज के लिए बहुत करते थे। हम लोग जब भी कोई त्योहार आता था बुलाते थे, हम लोग को बुलाते थे, हम लोग को देते थे, त्योहार ही देते थे, और यही कहते थे कभी कोई ज़रूरत हो तो यहाँ आ जाना। और मैं मेदांता भी गई थी, वहाँ भी दो दिन बैठी रही, नेताजी के लिए दुआ करती रही, रातों दिन मैं दुआ करती रही भगवान से, मुझे यही कि हमारे नेताजी फिर से आए हमारे बीच में और हमें फिर अपना आशीर्वाद दें। जैसे ही मैंने सुना, भी मैं घर पर बैठी थी टीवी के सामने, बस मुझसे नहीं रहा गया, बहुत गलत किया भगवान ने, जो भी किया बहुत गलत किया। उम्मीद जगने लगी थी कि शायद वो अब स्वस्थ होकर वापस लौट आएंगे, जी पूरी हम लोग को पूरी उम्मीद थी। जिस तरीके हम लोग को पता चलने लगा ठीक हो रहे हैं, बहुत खुश हो रही थी, हमने कहा नेताजी बहुत जल्दी हमारे सामने आएंगे। और मैंने उनका छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया था जन्मदिन का, कि अगले महीने 22 को उनका जन्मदिन था, तो मैंने कहा उसको क्लिप बना के रखा था कि इसको लगाऊंगी, लेकिन सुन के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान क्यों ऐसा करता किसी के साथ, अच्छे लोगों को क्यों अपने पास बुला लेता है। बुलाना है तो पापी लोगों को बुलाओ, जो इंसान, जो भगवान इतना अच्छा काम करते हैं जिस लोगों के लिए, उसको बुला लिया। बहुत पायल जी को आपने सुना यहाँ पर, जिस तरह से वो भावुक हो चुकी हैं, अगले महीने नेताजी के जन्मदिन को लेकर वो तैयारी कर रही थी, एक वीडियो क्लिप बना था, क्योंकि उम्मीद थी कि जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे नेताजी, उनके नेताजी जो कहीं ना कहीं उन जिनसे ये प्रेरित थी। और देखिए इस समय मायूसी का माहौल है, सुरक्षाकर्मियों की भी तस्वीर दिखाते हैं एक बार फिर से, कि जिस तरह से वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और भावुक हो चुके हैं, क्योंकि एक लंबा समय जो यहाँ पर लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने लंबा समय दिया नेताजी के साथ में, और देखिए इस समय सभी लोग यहाँ पर भावुक हैं। और फ़ोन पर अभी भी देखिए तमाम लोग जो है सिक्योरिटी के, उनको ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये खबर सच है, क्योंकि बीच में एक उम्मीद जगी थी कि शायद नेताजी एक बार फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, वापस लौट आएंगे, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी ये उम्मीद लिए बैठे थे, लेकिन वो उम्मीदें निराशाई हो गई। आखिरकार नेताजी जो ये एक संघर्ष चल रहा था जीवन और मौत के बीच में, उस जंग में अब वापस लौटेंगे नेताजी, लेकिन कहाँ ये दुखद खबर हमको बतानी पड़ रही है, कहाँ सुन रहे हैं कार्यकर्ता। और अगले महीने 22 नवंबर को उनका जन्मदिन भी आता था, लेकिन अब उसकी तैयारी कार्यकर्ता कर रहे थे, अभी हमने सुना भी। आवास में कोई मौजूद है इस वक्त वहाँ पर, कोई जानकारी इसको लेकर, या सभी दिल्ली में ही है? शैलेश, देखिए अभी यहाँ पर आवास पर लोगों का पहुँचना शुरू हुआ है, जैसा हमने अभी दिखाया, सबसे पहले हमने जब बात की तो देखिए अभी पायल किन्नर ही सबसे पहले यहाँ पर पहुँच पाई यहाँ पर अभी, लेकिन अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो रहा है। एक बार पार्टी हम देखिए मुलायम सिंह यादव जी की आवाज़ की, और देखिए एक महिला सुरक्षाकर्मी को हम रोते हुए देख पा रहे हैं, वो रो रही है फूट फूट कर, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ, पीछे खड़ी हुई है उस महिला कर्मी को देखिए, क्योंकि सुरक्षाकर्मी है, ऐसे में मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने आंसू पोंछते हुए हम उनको देख पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए बैरिकेटिंग है, इससे आगे हम नहीं जा सकते, लेकिन देखिए ये लगाव नेताजी का कि आप अगर बात करें तो किस तरह से कहने को ये सुरक्षाकर्मी है, लेकिन जो उनकी भावनाएं जुड़ी नेताजी के साथ में, जो उनका लगाव रहा नेताजी के साथ, उसी की वजह से ये आंसू जो उनकी आंखों में दिख रहे हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि नेताजी की एक खास बात ये कि वो अगर किसी से रिश्ता बनाते थे तो वो सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं होता था, बल्कि उनके व्यक्तिगत वो सबसे अपने रिश्ते बनाते थे, लोगों से करीबी उनकी हुआ करती थी, सबके सुख दुख में साथ खड़े होना, और यही वजह है कि जब वो अस्पताल में थे तो हर दल के लोग
उनसे मिलने के लिए पहुंची है। देखिए आंसू पोंछते हुए, आप सुरक्षाकर्मी को देख सकते हैं किस तरह से भावुक है वो इस समय, कितनी ज़्यादा। हमारे कैमरा सहयोगी हरिओम कोशिश कर रहे हैं इस दूरी से भी जितनी बेहतर तरीके से यहाँ का नज़ारा दिखा सके, लेकिन देखिए इस समय बाकी जो सुरक्षाकर्मी है वो भी काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं, कोई इस तरफ नहीं आ रहा है, सिर्फ इसकी एक वजह। और देखिए एक और महिला सुरक्षाकर्मी जिनको हम देख पा रहे हैं, शीशे का जो ये दरवाज़ा लगा हुआ है यहाँ पर भी, और वहाँ से भी आप देखें तो एक महिला सुरक्षाकर्मी और मौजूद है, वो भी काफ़ी भावुक इस समय नज़र आ रही हैं, क्योंकि उम्मीद ये ज़रूर था उनको कि देखिए नेताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, और देखिए ये भी रोते हुए इस समय यहाँ पर देखिए दुख का जो सैलाब है इस समय, एक तरफ आसमान से बरसात हो रही है तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर नेताजी को चाहने वाले हैं, वो चाहे उनके सुरक्षाकर्मी हो या पार्टी के लोग हों या बाकी करीबी हो, वो भी भावुक हो चुके हैं। उनकी आंखों से भी इस समय ये बरसात जो है, ये सैलाब जो है आंसुओं का निकल पड़ा है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी आगे, भले ही जितना उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, लेकिन सबको ये उम्मीद थी कि नेताजी वापस आएंगे, जिस तरह से कई बार पहले भी उन्होंने मौत को मात दी है, क्योंकि नेताजी के लिए हमेशा कहा जाता रहा कि उनकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत है, उनके लिए कहा जाता रहा कि हर जंग जीतते रहे हैं, लेकिन देखिए ये ऐसी जंग है जिसमें नेताजी इस बार हार गए, और अब यहाँ पर किस तरह से सब लोग जो है जैसे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलेगी शैलेश, वैसे कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे, समर्थक आएंगे आसपास के हिस्सों से भी, अलग अलग कोनों से भी। आप परिवार के सदस्यों को लेकर शैलेश जानकारी, अपर्णा यादव, डिम्पल यादव, ये सभी दिल्ली में ही है या फिर ये लखनऊ में ही है, इनको लेकर कोई जानकारी? देखिए फिलहाल सभी लोग की जो जानकारी है वो दिल्ली में होने की है, कल रात में ही डिंपल यादव, अपर्णा यादव मेदांता अस्पताल से निकले थे, लेकिन फिलहाल वो लखनऊ नहीं पहुंचे, सब लोग दिल्ली में, परिवार के जो लोग हैं वो मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं में अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा कि पायल जी यहाँ पर हैं, इस समय मौजूद हैं, पायल जी जो नेताजी थे उनका हम लोगों ने जिस तरह से देखा कि सबसे एक व्यक्तिगत वो जुड़ जाते थे सुख दुख में साथ उनके आना, उनकी नेताजी की जितनी हम अच्छाइयाँ बताएं कम है, वो किसी गरीब परिवार को देखते थे तुरंत उठ जाते थे, उनकी मदद करते थे। तो मैं तो कहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में इतने नेता देखे हैं, लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी के अलावा और अखिलेश भैया के अलावा ऐसा नेता हमें अभी तक लाइफ में कोई नहीं मिला है। मैंने इतनी पार्टियाँ देखी, इतने लोगों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखे बनते हुए, लेकिन मैंने ऐसा कभी नेता नहीं देखा है। इसीलिए मैं समाजवादी में दिलो जान से जुड़ी थी और दिलो जान से मैं मेहनत करती थी, क्योंकि ये पार्टी एक ऐसी हमारी पार्टी थी जो सारे समाज को मदद करती थी, सबको लेकर चलती। तो हमें बहुत दुख हुआ आज, क्योंकि मैं दो दिन वहाँ भी पड़ी रही मेदांता पे भी, माननीय जी को देखने के लिए गई थी नेताजी को वहाँ, और उस दिन भी मैं बैठ के बाहर मंदिर पर बस यही दुआ कर रही थी कि मेरे नेताजी जल्दी से आए, हम लोग को अपना आशीर्वाद फिर से दें, हमारे सर पे हाथ रखें। पायल जी आप तो देखिए किन्नर समाज से आते हैं, और अगर बात करें आप लोग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो नेताजी की भूमिका रही, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको राजनीति में लाना, इतनी बड़ी पार्टी में लाना, आगे बढ़ने का अवसर देना, किस तरह से देखते हैं आप चीज़ों को आज? ये हमारे नेताजी, जब मैं इस पार्टी में लगभग 11 में आई थी इस पार्टी में यहाँ पर, तो पहले मैं आई तो जब नेताजी के मैंने पैर छुए तो देखे, मुझे देख के बोलने लगे माननीय अखिलेश भैया जी से बोलने लगे कि इन लोग को भी जोड़ो, ये भी इंसान है, इनको भी हमें आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने भैया ने कहा ठीक है, कहीं इनको तत्काल जोड़ो और इनको भी समाज में लाओ, इनको भी हक दिलाओ इनका। तो हम लोग को ठीक है शैलेश, देखिए सभी से जुड़ाव और वो जुड़ाव हम महसूस कर सकते हैं, तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच भी रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।